हाय गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है मेथड के बारे में, यानी कि इंस्टेंस मेथड के बारे में, उन सारी चीज़ों को अब ध्यान में रखिएगा। और यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक इंस्टेंस मेथड बनाते थे हम लोग इसी मेन क्लास के अंदर, ठीक है। मेन क्लास के अंदर ही हम लोग इंस्टेंस मेथड को डिफाइन करते थे और डिक्लेयर करते थे। अभी मैंने क्या किया है कि हम लोगों ने इस क्लास में ना डिफाइन करके अपने इंस्टेंस मेथड को, मैंने एक अलग क्लास बनाया है और उसके अंदर मैंने इस मेथड को, यानी कि इंस्टेंस मेथड को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो इस इंस्टेंस मेथड को आप कैसे अपने मेन क्लास के मेन मेथड के अंदर यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ओके। सो सबसे पहले इस क्लास को हम लोग समझ लेते हैं। क्लास लिखा है मैंने, एडिशन क्लास का नाम है, इंस्टेंस मेथड बनाया है विथ पैरामीटर, जिसमें कि इंट ए एक पैरामीटर है, और इंट एक्स को मैंने एक वैल्यू दिया है 10, और वाई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है ए से। यहाँ इंट जेड लिखा है और एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है 8 होगा, और यहाँ आपको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के थ्रू एडिशन इक्वल जेड में जो भी स्टोर होगा वो आपको दिखाई देगा, ओके। और इसको मैंने कॉल किया है मेन क्लास के मेन मेथड में। लेकिन इसको कॉल करने का तरीका क्या है, इसको कॉल करने का तरीका वही है कि आप, जैसे कि ये जो मेथड है, ये जो इंस्टेंस मेथड है, ये है इस क्लास में। सो अगर आप इस मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर अगर आप कॉल करना चाहते हैं, तो आपको इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। बिकॉज ये जो मेथड है, आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं, तो इस मेथड को आप स्टैटिक मेथड में तभी कॉल कर सकते हैं जब आपके पास इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो, ओके। सो एडिशन नाम का हम लोगों ने एक एडिशन सॉरी एडिशन क्लास का हम लोगों ने एक ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ओबीजे का यूज़ करके हम लोगों ने डिस्प फंक्शन को कॉल किया, और साथ में इसको एक वैल्यू पास किया 20। ये वैल्यू यहाँ पास हो रहा है ए में, और वाई का वैल्यू बन रहा है कितना 20, और इसका आपको एडिशन मिलेगा जेड के पास, जो कि होगा 10 + 20 = 30, ओके। सो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जिस क्लास के अंदर आप मेथड बनाते हैं उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर, ठीक है। यहाँ इसको क्लास से कोई लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है स्टैटिक मेथड से, यानी कि मेथड आपका किस टाइप का। अगर ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड में इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और कौन सा ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको, उस क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिस क्लास में उस मेथड को डिफाइन किया गया, ठीक है। और इंस्टेंस मेथड के अंदर अगर आप किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट कॉल होता है। और स्टैटिक मेथड में आप इंस्टेंस मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट आप इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो चलिए इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। इसको मैंने रन किया और इसका आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है वो 30, ठीक है। इसको इस कोड को मैं अगर आपको समझा देता हूँ, यहाँ से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओ बी जे, जिससे कि मैं इस मेथड को कॉल कर सकूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कॉल करता हूँ ओ बी जे डॉट डिस्प नाम के फंक्शन को, सॉरी डिस्प नाम के मेथड को, इसको मैंने वैल्यू भी दिया है 20, यानी कि वैल्यू पास किया मैंने, ओके। इस डिस्प नाम के मेथड को मैंने एक वैल्यू पास किया 20 नाम का, या फिर आर्ग्यूमेंट पास किया मैंने 20, सॉरी आर्ग्यूमेंट पास किया मैंने 20, वैल्यू 20 है इसका, ठीक है। अभी ये जो है, ये इसका कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। सो ये सबसे पहले चेक करता है कि इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो ये कहता है कि हाँ ये 20 एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू, और यहाँ एक इंटीजर पैरामीटर, तो ये असाइन कर देता है 20 को ए में, और ये चला जाता है यहाँ, ठीक है। और ये एडिशन होता है, आपको जेड यहाँ एडिशन 30 दिखाई देता है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप अगर किसी और क्लास में अपने इंस्टेंस मेथड को लिखते हैं, तो इस तरीके से आप उसको कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।